की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे ही हमारा होटल मैनेजमेंट फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में अगर हम लोग किचन में जॉब लेते हैं तो एज ए कॉमी थ्री फर्स्ट जो पोजीशन होती है उस किचन में उसकी सैलरी कितनी होती है, और लास्ट जो पोजीशन होती है किचन में एग्जीक्यूटिव शेफ, जो हर किसी का सपना होता है एग्जीक्यूटिव शेफ बनने का, तो उसकी सैलरी कितनी होती है, और ये दोनों की सैलरी किस बेस पे डिसाइड होती है, वो सारी चीज आज आपको पता चल जाएगी। शर्त ये है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप रेडी हैं होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर बिज सेफ रहना, जो कि आपको मालूम है इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जिस भी कंट्री में मैंने काम किया था, दुबई में, बहरीन में, दोहा कतार में, और अभी प्रेजेंट में मैं सऊदी में काम कर रहा हूं, तो सऊदी अरब का, तो इस चैनल पर मोस्टली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने रखता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वह एक कौमी थ्री की सैलरी और एग्जीक्यूटिव शेफ की सैलरी कितनी होती है, और ये किस बेस पे डिसाइड होती है। ऐसे नहीं, जब मैं भी काम करता था तो मैं ये सोचता था कि एक कौमी थ्री की सैलरी कितनी होगी, और एक एग्जीक्यूटिव शेफ लास्ट जो पोजीशन होती है, मेरे को जो बनना है, मेरा जो सपना है, जो कि हर किसी का सपना होता है जो किचन में काम करता है, जो भी शेफ होता है, कि हमें एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है। एग्जीक्यूटिव शेफ जो होता है लास्ट पोजीशन होती है, लास्ट तो नहीं है, आज की डेट में रीजनल शेफ भी है और कॉर्पोरेट शेफ भी है, कंट्री शेफ भी है, बहुत सारी पोजीशन बन गई हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव शेफ, तो लास्ट जो पोजीशन होती है एग्जीक्यूटिव शेफ, उसकी सैलरी कितनी होती है, और फ्रेंड्स वो किस बेस पे डिसाइड होती है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जैसे ही आपने अपना होटल मैनेजमेंट फिनिश किया, कंप्लीट किया, अगर आप किचन में जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी पोजीशन एग्जीक्यूटिव शेफ होती है, और सबसे छोटी पोजीशन, जिस पोजीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, चाहे आप डिग्री करो, चाहे आप डिप्लोमा करो, कोई भी कोर्स करो, अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो कौमी थ्री से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। अगर किचन में काम करना है, उससे भी नीचे पोजीशन होती है, जैसे जॉब ट्रेनी होती है, उससे पहले ट्रेनी होती है, यानी ट्रेनिंग फर्स्ट होती है, उसके बाद में जॉब ट्रेनिंग होती है, और फिर कौमी थ्री, जो कि हमारा जॉब हो जाता है, जो कि हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय बन गए, तो उसकी सैलरी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि हर किसी के मन में यही चीज होती है, जिसके लिए हम काम करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि हम लोग किसके लिए काम करने के लिए जा रहे हैं, वो है सैलरी। अगर सैलरी ही हम लोगों को मालूम नहीं होगी कि कितनी मिलती है, मैं भी जब यही सोचता था, जब अपना डिप्लोमा कर रहा था, कि स्टार्टिंग में सैलरी तो 2,000, 3,000, 4,000 मिलती है, तो डिप्लोमा करने से फायदा क्या है। तो फ्रेंड, आज की डेट में कितनी सैलरी है और किस बेस पे डिसाइड होती है, वो सारी चीज आप ये वीडियो में जान जाएंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये सैलरी जो है कौमी थ्री की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले कौमी थ्री की सैलरी डिसाइड करते हैं स्टेट पे। स्टेट का मेरा मतलब है, अगर कोई स्टेट में काम कर रहे हैं और उस स्टेट के हिसाब से आपके खर्चे और वहां का जो बजट होता है उसके बेस पे डिपेंड करती है। जैसे आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी दिल्ली के अकॉर्डिंग होगी। अगर आप बेंगलोर में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बेंगलोर के जो एक्सपेंस हैं, वहां के जो खर्चे हैं, उसके हिसाब से होगी। अगर किसी भी छोटे सिटी में काम कर रहे हैं, आप जयपुर में काम कर रहे हैं, तो वहां रूम 3,000 में मिल जाता है, दिल्ली में हो सकता है वही रूम 5,000 में मिले, यानी कि जिस बड़े सिटी में आप काम करेंगे तो थोड़ी सैलरी वहां पे आपको ज्यादा मिलेगी। यानी कि अब स्टेट वाइज सैलरी की बात करें तो मिनिमम आपको एज ए कौमी थ्री 10,000 से 12,000 स्टार्ट हो ही जाती है। अगर आप बेंगलोर या मुंबई जो कि हाई सिटी है उनमें काम करते हैं, तो हो सकता है को 14 से 17,000 तक कौमी थ्री की सैलरी मिले। सिटी में काम करते हैं तो आपकी सैलरी हो सकता है 8 से 12,000 हो सकती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये सैलरी स्टेट वाइज, दूसरा ये डिपेंड करता है कंपनी वाइज। अगर आप किसी अच्छे ग्रुप में ज्वाइन करने जा रहे हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपकी सैलरी वो ग्रुप पे डिपेंड करेगी। मानो आपने अच्छे ग्रुप ओबराय में, मैरियट में, रेडिसन में, इनमें
ज्वाइनिंग की तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी। यानी अगर ओबरा में कोई भी जाना चाहता है तो उसकी कौमी थ्री सैलरी 14,000 से 17,000 तक स्टार्ट होती है, जो कि मेरे को मालूम है आज की डेट में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो और अगर छोटे ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी भी कम होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ये कंट्री वाइज, अगर आप इंडिया में काम करते हैं वो 10,000 से 17,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। यही कॉमी थ्री पर अगर आप एब्रॉड में काम करते हैं तो आपकी सैलरी 30,000 से 45,000 तक होगी, जो कि आज मेरे साथ में कॉमी थ्री मेरे किचन में जो काम कर रहे हैं उनकी मिनिमम सैलरी 2500 रियाल है, यानी कि सऊदी रियाल है 2500 सैलरी। तो 2500 सैलरी आप सऊदी रियाल का इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको करीब 40,000 से 42-45,000 तक टोटल अमाउंट मिल जाएगा आपको। यानी कि अगर एज ए कॉमी थ्री अब्रॉड में काम करते हैं तो आपको 30,000 से 45,000 तक सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है सिप, अगर आप सिप पे काम करते हैं एज ए कॉमी थ्री तो आपकी सैलरी वहां पे स्टार्टिंग में ही करीब 45,000 से 60,000 के बीच में होती है, जो कि सबसे ज्यादा सैलरी कॉमी थ्री को सिप पे ही मिल सकती है, लैंड पे इतनी नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट जो सैलरी डिसाइड होती है वो होती है एक्सपीरियंस पे, क्या आपने ट्रेनिंग किया है या जॉब ट्रेनिंग किया है, या फिर आपको एक साल का एक्सपीरियंस है तो आपको दोबारा से कॉमी थ्री का पोजिशन दिया गया तो वहां पे आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा मिलेगी एज पर आपके एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटरव्यू। जैसे ही आपने अच्छा सा इंटरव्यू क्वालिफाई किया, जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे संतुष्ट हो गया, संतुष्ट होने का मतलब यह है जो भी उसने क्वेश्चन पूछे उनका रिप्लाई उनका आंसर आपने ए टू जेड अच्छे से दिया और वो खुश हो गया आपके आंसर से, तो वो आपकी जितनी सैलरी आप सोच के आए वो आपको पूछेगा आपका एक्सपेक्टेशन कितना सैलरी का, तो वो आप बताएंगे तो उतनी ही सैलरी वो आपको दे देगा, ये गारंटी है। लेकिन आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, इंटरव्यूअर हैप्पी होना चाहिए आपने जो आंसर दिए उनके। नेक्स्ट जो पोजीशन है एग्जीक्यूटिव शेफ, उसकी सैलरी कैसे डिसाइड होती है, क्योंकि हर किसी का यही सपना होता है कि मेरे को एग्जीक्यूटिव शेफ बन रहा है। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल काम करने के बाद में अगर आप एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बने और इतनी सैलरी नहीं ली तो काम करने का फायदा नहीं है। इसीलिए आप एग्जीक्यूटिव शेफ की सैलरी कैसे पता करेंगे, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव शेफ की सैलरी डिपेंड करती है उसके एक्सपीरियंस पर, यानी कितने साल का कितने ईयर का उसको एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसके सैलरी डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट उसके कंपनी पे, जो भी कंपनी में वो ज्वाइन करना चाहता है वो कंपनी कैसी है और कौन कौन सी कंपनी ग्रुप में उसने काम किया, यानी कौन कौन से ब्रांड में मैरियट हायत विल्टन जो भी है अच्छे अच्छे रेडिसन जिस भी ग्रुप में उसने काम किया है, जितने अच्छे आप ग्रुप में काम करोगे उतनी ही ज्यादा आपका पैकेज सैलरी पैकेज बढ़ता जाएगा। यानी कि सैलरी आपके एक्सपीरियंस और ग्रुप, जो भी अच्छे ग्रुप में काम करता है अच्छी सैलरी लेता है, जो थोड़ा छोटे रेस्टोरेंट वगैरह में काम करता है उसकी सैलरी भी छोटी होती है कम होती है। यानी कि नेक्स्ट उसका एक्सपीरियंस हो गया, आपका कंपनी हो गया, नेक्स्ट जो होता है एग्जीक्यूटिव शेफ की सैलरी उसके आपके स्किल्स, यानी कि इंटरव्यू में जो भी होता है क्या क्या इंटरव्यू में कॉमी थ्री की सैलरी भी पूछी जाती है, इंटरव्यू में आपके एग्जीक्यूटिव शेफ की सैलरी भी पूछी जाती है, प्रीवियस सैलरी कितनी है और कितनी लेना चाहते हैं, और इंटरव्यू अगर आपने अच्छे से आंसर किए तो वो लोग संतुष्ट होके आपको हैप्पी होके उतनी ही सैलरी दे देंगे। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यह है एक एग्जीक्यूटिव शेफ की सैलरी कंपनी ब्रांड यानी कि उसके बैकग्राउंड पे कैसे काम किया कौन सी कंपनी में काम किया, अगर आप इंडिया में अगर नॉर्मल मीडियम कंपनी में काम करते हैं तो आपको 70,000 से 80,000 सैलरी मिल ही जाएगी, और अगर आप एक अच्छे से ब्रांड में काम करते हैं इंडिया में तो हो सकता है आपकी सैलरी 1,00,000 से 1.5 लाख हो, और उससे भी अच्छे ब्रांड में काम करते हैं तो 2,00,000 से 3,00,000 भी हो सकती है, और अब्रॉड में एक एग्जीक्यूटिव शेफ की सैलरी मिनिमम 2 से 4 लाख तक होती है मीडियम ग्रुप में, मीडियम थोड़े से मीडियम ग्रुप जो होते हैं उनमें, और अच्छे ग्रुप में तो सैलरी ज्यादा ही होती है।
तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, और ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज चाहिए आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो आपको बेल आइकन दिख रही है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन नहीं दबाए तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको कोई भी चीज की जानकारी नहीं मिल पाएगी कौन सी वीडियो मैंने डाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।